देखा है सौ सौ बार दर्शन करते करते, बोलो देखा नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते, होता है कई बार होता होगा, आप बाबा के पास गए, आप कुछ लेकर नहीं गए लेकिन वहां पहुंचे और आजकल तो 15-20 सेकंड से ज्यादा खड़े होने का टाइम नहीं मिलता लेकिन उन 15-20 सेकंड में ये टपक जाते हैं। जिस दिन इसके दरबार में आपके ये दो टपक गए समझ लो उस दिन आपका कोई ना कोई काम बन गया प्रेमी। इसलिए कुछ लेकर जाना नहीं जाना लेकिन दिल में ये भाव लेकर जाना कि बरसों बाद बाप से मिलने जा रहे हैं। नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते, देखिए मैं कला भवन से निकल रहा हूं, आप लोग जहां जहां रुकते हो पहुंच जाओ वहां पर। अगर कोई मित्र मंडल में रुकता है तो पहुंच जाओ मित्र मंडल, कोई सभामणि में रुकता है तो सभामणि पहुंच जाओ, कोई लखदातार में रुकता है लखदातार पहुंच जाओ, कोई श्याम होटल में रुकता है श्याम होटल पहुंच जाओ और वहां से अपनी यात्रा शुरू करो। उठाओ हाथों को, उठाओ और एक बार मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना, देखा है सौ सौ दर्शन करते करते, नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते, नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते। तालियां बजाकर बोलिए आंसू पहुंचने वाले गिरे वाले की। सोच के जाता हूँ अर्जी ये लगाऊंगा मेरे श्याम, बोलो मैं मन की सारी बातें बाबा को बताऊंगा, मन की सारी बाबा को बताऊंगा। होता है अरे बताओ ना, होता है ऐसा, घर से निकलते हो बाबा से ये कहूंगा ये कहूंगा ये कहूंगा, कई सपने बुने मैंने पैदल चलते चलते, कई सपने बुने मैंने पैदल चलते चलते, नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते, नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते। अच्छा लग रहा है तो हाथ उठाना, अगर आप लोग खाटू पहुंच गए तो हाथ उठाना, तालियां बजाकर एक दो तीन तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, अरे जोर से बोलो ना, हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रभुवर, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रभुवर।
बाबा तेरी दुकान खोले तो मत जा। हम लोग एक रिश्ता सही से नहीं निभा पाते, एक रिश्ता नहीं निभा पाते सच्चाई से। ये हर रिश्ता निभाने के लिए तैयार है। अगर इनको मां माना तो मां बन जाता है, बाप माना तो बाप बन जाता है। जब माँ की याद थी आई गोदी में तूने बिठाया, गोदी में तूने बिठाया, जब पिता को याद किया तो तूने सर पे हाथ फिराया, जब पिता को याद किया तो तूने सर पे हाथ फिराया, कंधे से कंधा मिलाया, हो कंधे से कंधा मिलाया, तूने मेरा भाई बनकर, बोलो कंधे से कंधा मिलाया, तूने मेरा भाई बनकर, पग पग पर दिया सहारा, कई रूप में तूने आकर, कभी आया साथी बनकर, कभी आया माझी बनकर। कौन कौन बुलाना चाहता है हाथ उठा लेना और ऐसे ऐसे करके क्या कहना, श्याम आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम, श्याम आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम, आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम, श्याम आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम। कौन कौन मंदिर में पहुंच गया, क्या हुआ, दर्शन करके जब मैं दर से बाहर आता, मेरे श्याम, बोलो दर्शन करके जब मैं दर से बाहर आता, तेरे सामने बाबा क्यों कुछ बोल नहीं पाता, तेरे क्यों कुछ बोल नहीं पाता। होता है ऐसा, सोचकर बहुत कुछ आते हैं। आज ये कहूंगा आज ये कहूंगा, लेकिन जादूगर बैठा है कुछ कहने नहीं देता। ये कहते हैं आज तू नहीं बोलेगा, जो बोलूंगा मैं बोलूंगा। बिन अर्जी लगाए ही, बिन अर्जी बताए ही, आगे बढ़ते रहते, बिन अर्जी बताए ही आगे बढ़ते रहते, नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते, ओ नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़ते। Oh!
अंदाज निराला है। बोलो बोलो। मालिक तेरे जग का अंदाज निराला है, और भक्तों को पीना पड़ा यह जहर का प्याला है। भक्तों को पीना पड़ा यह जहर का प्याला है, पर वो कभी ना डरे, पर वो कभी ना डरे जिन साथ तुम्हारा है। श्याम तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। अरे तेरा ही सहारा है, हमें तेरा ही सहारा। अरे जोर से बोलो ना, बोलो बोलो बोलो। श्याम तेरे भक्तों को, बाबा तेरे भक्तों को तेरा ही सहारा है। श्याम तेरे भक्तों को, किनको किनको सहारा है खाटू वाले का, ये तो रहा तो सतालिया। सुना कर देख ले, के करनो है नहीं बतानो, के करनो है नहीं बतानो, जाके परिचय देख ले। मन की बाता सांवरी है मैं आज सुना कर देख। सुनो प्रेमियों, एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं। खाटू जाकर हम लोग कहते हैं ना कि बाबा ये कर दे, बाबा ये कर दे, मत बोला करो ये। तालियां बजाओ। बाबा को हुकुम मत चलाया करो, ये कर दे ये कर दे। बाबा को भाव से कहना क्या, वो तेरे से ना छिपे हैं हालात ये हमारे, हालात ये हमारे तेरे से ना छिपे हैं, हालात ये हमारे, हालात ये हमारे तेरे से ना छिपे हैं। बाबा मुझे नहीं मालूम, तू जाने और तेरा, तू जाने और तेरा। दर्शन पाकर भी मैं बाबा ना काम हुआ मेरे श्याम। अब सुनो उसके हालात। प्रेमी मंदिर से बाहर आ गया, अपनी अर्जी सुनाने के लिए सोच के गया था, नहीं सुना पाया। अब उसके हालात कैसे पता है, वैसे ही जैसे सुदामा जी के थे। पत्नी के बार बार कहने से सुदामा जी अपने मित्र तीनों लोगों के नाथ के दरवाजे पर गए। सिपाहियों ने कहा कि आपका मित्र आया है सुदामा। तीनों लोगों के नाथ नंगे पैरों दौड़ कर धाए, अपने मित्र को गले लगाया। सुदामा जी के कपड़े राजशाही नहीं थे, कोई और होता तो देखता भी नहीं, लेकिन तीनों लोगों के नाथ ने गले लगा लिया। आदर से लेकर आए, अपने सिंहासन पर बैठाया, खुद अपने मित्र के चरणों में
तीनों लोगों का राजा बैठ गए अपने आंसुओं से, अपने आंसुओं से अपने बचपन के मित्र सुदामा के चरण पखार रहे हैं। रुक्मणी और भामा को बता रहे हैं कि मेरा ये मित्र है, मेरा यार है। और मजे की बात देखो, अन्नपूर्णा जिनके चरणों की दासी, जिनके महल में अन्नपूर्णा दासी बनकर रहती थी, वो तीनों लोगों का नाच जो ढाई मुट्ठी मैली कुचैली पोटली में सुदामा जी के काख में दबे थे, उन कच्चे चावलों पर झपट्टा मारा, मेरी भाभी ने भेजा है, और कच्चे चावल फाटने लगे। सुदामा जी की आंसुएं बह रही है, मिलना मिलाना हुआ। और फिर दोनों मित्र उठे, सुदामा जी ने कहा अच्छा मित्र मैं चलता हूं, भगवान ने कहा फिर आते रहना। और कंधे पर हाथ रखकर भगवान अपने मित्र को छोड़ने के लिए बाहर आए हैं। लेकिन मजे की बात देखना, न भगवान ने मित्र से पूछा, न भगवान ने भगत से पूछा कि मित्र क्यों आए थे, और न मित्र ने, न भगत ने भगवान से कहा कि मैं क्यों आया था। सुदामा जी भी जब अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं तो मन में बहुत ग्लानी आई, मन में बहुत ग्लानी आई कि जो सुशीला ने कहा था वो मैं कह नहीं सका। और वही भाव बाबा के मंदिर से दर्शन करने के बाद जब प्रेमी निकलता है तो उसके भाव आते हैं कि मैं आज बाबा को अपने दिल की सुना नहीं पाया। और उसके मन में आता है कि मैं दर्शन करके भी नाकाम हो गया। उसको शायद इतना मालूम है कि दरबार में जाकर फरियाद करने से, दरबार में जाकर अपने को क्या चाहिए वो बताने से मकसद पूरा होता है। लेकिन उस मूर्ख को नहीं मालूम कि ये दुनिया चलाने वाला है। आपका काम कितना है पता है? आप खाली मन में बना लो कि बाबा मुझे इस दिन खाटू आना है। और ये मत बोलना कि मैं आऊंगा, मुझे आना है बाबा। हम लोग तो क्या करते हैं, टिकट कटा ली, बाबा बस इतनी कृपा कर देना, कोई ऐसा धर्म संकट में मत डाल देना, कोई माया में मत फंसा देना कि मैं आपके दरबार में नहीं आ पाऊं। हमारा काम सिर्फ इतना है इनके दरबार में पहुंचना। प्रेमियों, हम जब अपने घर से निकलते हैं ना, उस समय इनको पता चल जाता है कि जो आ रहा है उसको क्या चाहिए। दर्शन पाकर भी मैं बाबा नाकाम हुआ, लेकिन घर आने से पहले पूरा हर काम हुआ। घर आने से पहले पूरा, कहे श्याम बिना बोले सबकी झोली भरते, कहे श्याम नैनों से नैन मिले आंसू ये छलक पड़। सुनो प्रेम, सुनो सुनो, मैंने क्या देखा इस दरबार में बताऊं? विपिन भाई, मैं नाम थोड़ा विपिन भाई है ना, हाँ। मैंने इस दरबार में क्या देखा मालूम है? खाटू जाने वाले को जो पहली बार जाता है, जिसको कुछ मालूम ही नहीं रहता खाटू वाले के बारे में, उसका काम तुरंत बनता है। कई बैठे होंगे यहां पर, जो मैं बताने जा रहा हूं उसके साथ ऐसा हुआ होगा। एक बंदा खाटू जा रहा था, अकेले गाड़ी लेकर जा रहा था, उसको साथ कोई मिला नहीं। घर से निकला, रास्ते के अंदर में
उसका कोई जानकार मिल गया, लेकिन बहुत कमजोर था वो। गाड़ी वाले ने सोचा 5 घंटे जाना 5 घंटे आना, साथ में इसको ले चलता हूं, मन लग जाएगा, नींद नहीं आएगी। वो कभी खाटू नहीं गया था, उसने गाड़ी रोकी, ए भाई चल खाटू चलेगा। अरे कहां खाटू यार, मुझे नहीं मालूम खाटू क्या है, कितना टाइम लगता है। बोले 5 घंटा जाना 5 घंटा आना, एसी में जाना एसी में आना। अरे नहीं जाना। अरे चल यार, खाटू की कड़ी कचौड़ी बहुत फेमस है, तुझे कड़ी कचौड़ी खिलाऊंगा। अब जिसने कभी एसी नहीं देखा, जो नॉर्मल बसों में जाता है, उसने हिसाब लगाया कि यार सौदा तो सस्ता है, कौड़ी लगनी नहीं, एसी का मजा मिलेगा जाने में, एसी का मजा मिलेगा आने में। अंकल जी, और बोल रहा कड़ी कचौड़ी खिलाऊंगा तो नुकसान का है, बेला घूम रहा हूं, कम से कम आनंद मिलेगा। वो गाड़ी में बैठ गया, उसे नहीं मालूम खाटू खाटू के बारे में, खाटू वाले के बारे में। वो बैठ गया गाड़ी में। अब वो गाड़ी लेकर पहुंचा, अब उसने बोला भाई कड़ी कचौड़ी। बोले यार कड़ी कचौड़ी खिलाऊंगा, लेकिन पहले बाबा के तो दर्शन कर ले। अब वो मरता क्या ना करता, बोला अब मैं कुछ बोलूंगा तो यही छोड़ जाएगा, तो फिर वापसी भी जाना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो चाबी उसके हाथ में थी, अब चाबी ड्राइवर के हाथ में है। वो चुपचाप उसके पीछे पीछे, मन में कड़ी कचौड़ी का है, अब चुपचाप उसके पीछे पीछे। बेला था, घर में कोई पूछता नहीं था, काम नहीं था, घर में कोई जुगाड़ नहीं था, पीछे पीछे उसके चला गया। बाबा का मंदिर में दर्शन किए, बाबा के मंदिर में दर्शन किए, बस बाबा को ऐसे नमन किया और घूम गया। मंदिर से निकलने पहले भाई कड़ी कचौड़ी, अरे यार चलते हैं मंदिर में, कम से कम तिलक तालक तो लगवा ले। मंदिर से निकला, कड़ी कचौड़ी की दुकान पर ले गया, कड़ी कचौड़ी खाने लगा। वो तो 1 प्लेट 2 प्लेट खाया, उसने 4-5 चेप दी। अब बाबा मंदिर में सोच रहा है, अब सुनो यह फैक्ट है, सच्चाई बता रहा हूं, किसी दूसरे तरीके से ले लो चाहे कैसे भी। बाबा मंदिर में सोच रहा है, अगर इसका काम नहीं बना तो कड़ी कचौड़ी फेमस हो जाएगी। गलत है कि सही है बताओ? अगर इसका काम नहीं बना तो ये दोबारा कभी आएगा तो मेरे से नहीं मिलेगा, ये पुरोहित जी की कड़ी कचौड़ी खाने जाएगा। वो 5 प्लेट कड़ी कचौड़ी खाकर गाड़ी में बैठा, घर आया, घर आया, और आते ही बाबा ने चटका दिखा दिया। 2 दिन बाद जो उसको लेकर गया था उसके दरवाजे पर वो गया, दरवाजा खटखटाया, ए भाई खाटू चलेगा, खाटू चलेगा। उसने बोला यार कड़ी कचौड़ी इतनी पसंद आ गई, 48 घंटे नहीं बीते, कड़ी कचौड़ी में इतना आनंद आ गया। वो उसके चरणों में गिर गया, बोले यार सच बताऊं, गया तो मैं कड़ी कचौड़ी खाने था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था जिस बाबा के पास तू ले जा रहा है वो मेरे बच्चों का निवाला बनने वाले की व्यवस्था करके तैयार बैठा है। तूने मुझे कड़ी कचौड़ी का इंतजाम किया, तूने मेरी कड़ी कचौड़ी का इंतजाम किया, तेरे बाबा ने मेरे बच्चों को जीवन पालने का इंतजाम 2 दिन में कर दिया। जो निश्चल जाता है ना, जो निश्चल भाव से जाता है ना, उसको तुरंत कृपा होती है, तुरंत। इसलिए कभी भी खाटू जाना, कभी भी मन में कुछ सोच कर नहीं जाना, मलंग होकर जाना, मलंग अलमस्त होकर जाना, अपनी मस्ती में जाना। और कोशिश करना प्रेमियों कि जाकर डायरेक्ट खाटू वाले से मिलना, किसी और से नहीं मिलना। डायरेक्ट मिलोगे तो बाबा को लगेगा ये मेरे लिए आया है, किसी और से मिल लोगे ना तो बाबा बोलेगा ये किसी और से मिलने आया है। बोलिए सच्चे दरबार की।